तू मेरे अश्कों में रोता है सरगोशी। ऑलराइट गाइज, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो मैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ और गाइज आपको प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और गाइज आप जैसे कि 9:16 रेशियो को डेफिनेटली क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर गाइज आपका अपना ऑडियो को इम्पोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने ऑडियो को इम्पोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको सुनकर मार्क करना होगा। तो गाइस इस तरह आप सभी को इस जगह पे मार्क करना है। ऑल राइट, तो इस तरह आपने मार्क कर लिया। अब गाइस आप सभी को क्या करना है, अपने फोटो को इंपोर्ट करना है। तो देखो भाई फोटो कहाँ से आपको ढूंढना है, आपको चले आ जाना है पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर। और गाइस पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर आने के बाद सर्च का ऑप्शन पे चले जाना है। मैं आप सभी को ना कुछ फोटोज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप ना उस फोटो सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर ले। अब जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ, एक फोटो को मैं इंपोर्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिक उस टाइप का सिमिलर फोटो सब ढूंढ के देता है मेरे को। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, ऑलरेडी देखो भाई ये वाला आ चुका। अब इसके नीचे जाओगे ना तो आपको उस तरह सिमिलर फोटो सब देखने को मिल जाएगा। या बैक कर लेना, देखो यहाँ पर और भी आपको डिफरेंट टाइप का उस तरह इमेजेस सब देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाले फोटो को इंपोर्ट किया। फोटो को इंपोर्ट करने के बाद एंड तक एक्सटेंड कर लो। अब गाइस आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से एक इमोजी यूज़ करना है। अब देखो भाई यहाँ पर आप कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को बटरफ्लाई, तो मैं यहाँ पर बटरफ्लाई को चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं रोज़ को चूज़ कर लेता हूँ, तो भाई यहाँ पर मैं एक रोज़ चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद कोई भी एक नॉर्मल सा इमोजी जो होता है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, लाइक इसी को चूज़ कर लेता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, इस कलर को ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर लेना इसे। और गाइस उसके साथ ही साथ आपको ISO फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप ये ISO फॉन्ट को चूज़ कर लेना। अब मिडिल पे क्लिक कर लेना। अब जैसे कि आपको ये फॉन्ट को इस जगह पे रखना है और इसके अंदर आप एक एनिमेशन दे देना। एनिमेशन का नेम है लॉन्ग शैडो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉन्ग शैडो को चूज़ किया, स्टैंडर्ड शेडिंग को चूज़ कर लेता हूँ। अब गाइस इसे आप थोड़ा कम कर लेना, इसका साइज़ लगभग 20 कर लेना, 0.020। अब देखो भाई इसके अंदर आप एनिमेशन भी दे सकते हो। बाय द वे मैं अभी फ़िलहाल एनिमेशन नहीं देता हूँ। अब जैसे कि आपको क्या करना है, इससे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेना है और इसके अंदर आपको टेक्स्ट ऐड करना है। अब देखो भाई आपका टेक्स्ट जो है वो लिरिक्स टेक्स्ट है, तो जैसे भी जो भी लाइन है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि तू मेरे, तो इस तरह आपको सिंपल पहला लेटर आपका कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, इस तरह आपको टाइप करना है। इस जगह पर आपको क्लिक करना है, आप जैसे कि देख सकते हैं कलर पर आपको क्लिक करना है, ये एक वाइट कलर आप इसे चूज़ कर लेना। उसके साथ ही साथ इसे आप 36 पे टिक कर लेना। और उसके बाद गाइस रोबोट रेगुलर पे क्लिक करके व्यू ऑल फॉन्ट्स, आपको फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस फॉन्ट का नेम है विक्टोरिया, आप इस वाले फॉन्ट को चूज़ कर लेना। और थोड़ा सा ना मैं साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। और गाइस उसके साथ ही साथ मैं इस जगह पर प्लेस कर लेता हूँ ये टेक्स्ट को हमारा। तो देखो इस जगह पर मैंने यहाँ पर सही तरीके से रख लेता हूँ, और इमोजी लेयर को भी आपको सही तरीके से इस जगह पर रखना है। अब गाइस इसके अंदर आपको इफेक्ट्स ऐड करना है, तो सबसे पहले आप सभी को वेब वार्प इफेक्ट यूज़ करना है। तो आपको ये वाला वेब वार्प इफेक्ट को सिलेक्ट करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे चले जाना इसका। अब देखो यहाँ पर फेज, तो +1 पे क्लिक, सबसे पहला जो है वहाँ पर एक इस वाला आइकन पे क्लिक करना की फ्रेम पे, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर एक एंड पे की फ्रेम देना है। तो आपने जो एंड पे की फ्रेम दिया इसे आप 0 रखना, और जो स्टार्टिंग पे दिया इस पर आपको क्लिक करना है और 2 सिंपल तरीके से लिख देना है। अब देखो 0 एंड 2। अब इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्पेसिंग पे क्लिक करना है, जो स्पेस है, उसके बाद आपको 4 टाइप करना है, और उसके साथ ही साथ राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको मैग्नीट्यूड पे जाने चले जाना है, स्टार्टिंग पे एक प्लस का आइकन देना है, इसे आपको 3 करना है, और उसके बाद एंड पे आपको एक प्लस का आइकन देना है, इसे आपको 0 कर देना है। अब इसे आपको क्या करना है, वार्प एंगल को 0 कर देना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, 0 कर देना है। तो देखो भाई ये कुछ इस तरह आपको यहाँ पर बन जाएगा। ऑल राइट, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है ब्लॉक डिजॉल्व। ये ब्लॉक डिजॉल्व का स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लेना, उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ जो है इस पर एक प्लस का आइकन देना। तो देखो भाई स्टार्टिंग पे मत देना, यहाँ पर आपका एंड से थोड़ा सा पहले, लाइक इस जगह पे एक देना, और एंड पे आपको एक देना है, तो इस जगह पे मैं एक देता हूँ। अब जो ये एंड पे है ये, इसे आपको क्या करना है, 1, तो भाई सॉरी इस पर आपको क्लिक करना है, 1 टाइप करना है एंड वाले को, और जो आपका ये वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, 0 टाइप करना है। तो ये आपका 1
ये आपका जीरो, ठीक है। इसके साथ ही साथ साइज का ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर आपको 100 टाइप करना है। 100 टाइप करने के साथ ही साथ आपको इस जो स्ट्रेच है एक्स को क्लिक करना है, एक्स को 1.10 करना है। तो 1.10 मैंने किया और इसे आपको 0.01 ऑलराइट। सीट को ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पर बैक करना है 0.4 कर देना है। बाकी आप यहाँ पर बैक कर दो, ये इफेक्ट भी आपका ऐड हो चुका है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर लॉन्ग शैडो इफेक्ट को चूज़ करो। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करो, इससे आप घटाकर 20 या 15 कर लो, 15 to 20 कर लो, दैट्स इट। अब इसके बाद आपको और एक इफेक्ट यूज़ करना है जिसका नेम है वाइप। तो मैं यहाँ पर वाइप इफेक्ट को चूज़ करता हूँ, स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लेता हूँ। वाइप इफेक्ट पे आने के बाद आपको एंड पे क्लिक करना है और स्टार्टिंग पे एक मार्क करना है, तो मैंने यहाँ पर किया। अब स्टार्टिंग वाला जो मार्क किया आपने उसे आपको जीरो कर देना है और उसके बाद आपको एक मिडिल के लगभग इस जगह पे आपको एक मार्क और करना है और ये जो मार्क आपने किया इस पे आपको 100 टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर 100 टाइप कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपको नीचे की तरफ फेदर देखने को मिलता है, तो फेदर को मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। ऑल राइट, तो देखो भाई आपके यहाँ पर टेक्स्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे कि आपने देखा फोटो के अंदर आपका स्टार इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो फोटो पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपल स्टार फील्ड का स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लेना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्लस का आइकन देता हूँ और आपका फोटो का एंडिंग पे आप यहाँ पर क्या करें, इस पर क्लिक करें और माइनस दें, तो -500 दोगे ना तो आपका ये इधर से आएगा, देखो इस तरह। और अगर आप प्लस करते हो तो आपका वो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, यानी कि आपका कुछ इस तरह। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्केल, तो आप स्केल कितना रखना चाहते हो, साइज कितना रखना चाहते हो, तो मैं थोड़ा साइज घटा लेता हूँ क्योंकि छोटा छोटा बिंदी सही लगता है। फेदर कितना रखना चाहते हो, तो ये सब आप सभी को डिपेंड करता है सही तरीके से बनाने के लिए। तो भाई देखो इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके गाइस, आप सभी को ये वाला प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये सीसी इफेक्ट बाय सुहेल। तो इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको चले आ जाना है, इस पर आपको सारा सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट ऑल एंड इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी 8 लेयर्स पे क्लिक करना है, बैक करना होगा और अपने उस वाले प्रोजेक्ट पर चले जाना है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हूँ, तो मैं जैसे कि ये सबको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो देखो भाई ये रहा और उसके बाद आपका कुछ इस तरह यहाँ पर पेस्ट करने के साथ ही साथ इस तरह बन जाएगा। तो देखो भाई इस तरह आपका मस्त तरीके से वीडियो का सीसी इफेक्ट लग जाएगा वीडियो पे। तो आप ना ऐसे करके बना सकते हैं। बाकी गाइस आप उसके बाद पूरा इसे कॉपी पेस्ट कर लेना, जैसे कि इस लेयर को कॉपी कर लेना और उसके बाद आपका टाइम जितना दूर है उतना दूर आप इसे एक्सटेंड करना, उसके बाद पेस्ट लेयर करना और उस लेयर को नीचे की ओर कर देना, या आप ऊपर की ओर भी रख सकते हो। अगर आप सीसी इफेक्ट के ऊपर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद जो भी है आपका लाइन उसे आप टाइप कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, है ना। इस तरह आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिरिक्स टाइप कर लिया। अब देखो भाई यहाँ पर ये टाइम तक है आपको वो लिरिक्स, तो टाइम का ऑप्शन पे जाके एक्सटेंड कर लेना। तो देखो ये आपका इस तरह भी आप टाइप कर सकते हो और ये टेक्स्ट को ऊपर रख सकते हो बाय द वे, या नीचे भी रख सकते हो। तो उम्मीद आप डिपेंड आप पे करता है और मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह प्रोफेशनल वीडियो देखने को मिलता रहता है। चलो यार मिलते हैं नए वीडियो के साथ।